Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 statistical and the probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 30. इन दिस लेक्चर वी कवर द टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट यूज ऑफ द एरिया ऑफ द टेबल, इनवर्स यूज ऑफ द एरिया ऑफ द टेबल, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1733 में डिस्कवर की गई और इसकी शेप ये बेल कवर शेप होती है. ये देखिए इस तरह से डायग्राम में इन्होंने शो करवाया कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कवर शेप होती है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं हम. आ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज सेट टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन हो तो इसका हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/summation 2πe(e^-1)/2 एक्स माइनस म्यू ओवर समीशन होल की पावर 2. ये हमारे पास पाई गिवन होता है 3.1416 होता है और ई हमारा इक्वल होता है 2.71828 के. फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर हमारे मीन की वैल्यू चेंज होती है तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे मूव हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन. ये देखें यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये लेफ्ट और राइट साइड पे मूव होती है जैसे ही हमारे मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है. इसकी सेकेंड इन्होंने समीशन का बताया कि समीशन में अगर चेंजिंग्स आए तो वो किस तरह से शेप होती हैं. ये देखें ये सबसे पहले हमारे पास इस तरह से होगी, फिर इससे लार्ज होगी और फिर इस तरह से इससे लार्ज. प्रॉपर्टी नंबर 2, द नॉर्मल कर्व इज असिम्प्टोटिकली टू द एक्स एक्सिस, एक्स अप्रोच टू द प्लस माइनस अनडिफाइंड. ये एक कर्व है जो अप्रोच कर रहा है एक्स तक लेकिन एक्स को टच नहीं करता. ये नहीं, ये देखें आपने ये कर्व देखें, ये अप्रोच तो कर रहे हैं एक्स तक पहुंच रहे हैं लेकिन ये एक्स को टच नहीं कर रहे. फिर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कर्व होता है नॉर्मल का वो 50% लेफ्ट साइड पे होता है और 50% उसका राइट साइड पे होता है. नेक्स्ट देखें, द डेस्टिनेटी फंक्शन अटेंड इट मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू. जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है, जब हमारा एक्स इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है. और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारा मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही इक्वल होते हैं ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखें ग्राफ में भी बताया हुआ, ये हमारे पास मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये तीनों इक्वल होते हैं. फिर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, सीन्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिक हैंस म्यू 3 द थर्ड मोमेंट अबाउट द जीरो. जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एब्सोल्युटली सिमेट्रिक होगी. सिमेट्रिक कब होगी, उसकी कंडीशन है जो म्यू 3 है वो इज इक्वल टू 0 के हो, तब ये हमारी कंडीशन सिमेट्रिकल होगी. फिर नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव म्यू 4 इज इक्वल टू 3/4. म्यू 4 जो होगा वो 3/4 के इक्वल होगा. नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम रेशियो प्रॉपर्टी नंबर 7 में. मोमेंटम रेशियो हमारे पास दो होती हैं, β1 एंड β2. β1 इज इक्वल टू μ3 की होल पावर 2, μ2 की होल पावर 3. अभी हमने पढ़ा है कि μ3 इज इक्वल टू 0, तो हम μ3 की जगह 0 राइट करेंगे और μ2 हमारा इक्वल होता है समीशन स्केयर के. हमें यहाँ पे समीशन स्केयर और होल का क्यूब, जब हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा इक्वल आएगा 0 के. ये β2 है, β2 पे हमारा μ4, μ4 हमने कहा है कि ये इक्वल होती है 3/4 के और μ2 हमने अभी ऊपर पुट किया है कि समीशन स्केयर के इक्वल होता है. इसका होल का हम स्केयर लेंगे तो ये समीशन फोर से कैंसिल इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे 3 की. हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर एट में हमारे पास एक इंटरवल होता है μ±summation. ये हमारे पास μ±summation होता है, इसमें हम एक इंटरवल सेलेक्ट कर रहे थे. विल ऑलवेज कॉन्टेन, अगर ये प्लस माइनस समीशन होगा तो ये कॉन्टेन करेगा 68.26 पर ऑफ द लोकल एरिया. ये देखिए ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये हमारे पास 68.26 आ गया और ये हमने लिया था μ1 माइनस समीशन, μ+summation. अगर हमारे पास म्यू
प्लस टू समीशन और म्यू माइनस टू समीशन हो, तो हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा, जो इंटरवल होगा वो 95% होगा और जो शेडेड एरिया होगा वो ये होगा हमारे पास। अगर हमारे पास म्यू प्लस माइनस थ्री समीशन हो तो हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो 99.73% इस तरह से हमें शो होगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने म्यू का बताया हुआ, ये हमारा म्यू है। अगर हम इसमें प्लस या माइनस मेंशन करते हैं तो ये हमारा 68% हो जाता है। अगर हम इसमें प्लस माइनस टू करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है समीशन प्लस माइनस टू, यानी हमारे पास हो जाता है 95%। और प्लस थ्री करते हैं म्यू में तो ये हमारे पास 99% हो जाता है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है म्यू माइनस समीशन वन ओवर समीशन ओवर टू पाई ई। म्यू में से समीशन को माइनस किया और हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला राइट कर दिया, यहाँ पे वन ओवर समीशन टू पाई ई एंड म्यू प्लस समीशन वन ओवर समीशन टू पाई ई पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन, जो इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किए गए हैं। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होज मीन इज इक्वल टू जीरो, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो जीरो के इक्वल हो, होज स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज वन, और उसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन वो वन के इक्वल हो, तो उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये देखिए, यानी जिसकी मीन इज इक्वल टू जीरो और स्टैंडर्ड डेरिवेशन वन हो वो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डेरिवेशन होती है। नेक्स्ट, ये हमारे पास जी का टेबल है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे इस टेबल से, इस टेबल को हम फिर डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका हमारे पास फार्मूला है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर समीशन, यानी इसमें हमारे पास म्यू जो वो जीरो के इक्वल हो और समीशन हमारे पास वन के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइफ फॉर द ऑटोमेटिक डिश वाशर, एक ऑटोमेटिक डिश वाशर है उसकी लेंथ ऑफ लाइफ कितनी है, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो 3.5 ईयर है एंड द स्टैंडर्ड ऑफ डेरिवेशन 1.0 ईयर। द टाइप ऑफ द डिश वाशर इज ग्रांटेड फॉर 12 मंथ, यानी उसकी जो गारंटी है वो 12 मंथ की है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेल विल रिक्वायर द रिप्लेसमेंट, हमने क्या फाइंड करने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स यानी उसकी फ्रैक्शन ऑफ सेल फाइंड करने विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया, ये हमारे पास आ गया मीन और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेरिवेशन। मीन हमारे पास 3.5 और स्टैंडर्ड डेरिवेशन है 1.0। द एक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द वारंटी, यानी जो गारंटी की वैल्यू है वो है 12 मंथ यानी 1 ईयर। 1 ईयर हमने यहाँ पे पुट किया, 1 माइनस 3.5 इसमें से लेस किया, -2.5 आ गया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है, हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, यानी हमारे पास ये हमारे पास मीन है और हमने जो आंसर फाइंड किया है वो हमारे पास है -2.5। ये देखिए, ये हमने इस एरिया में इसे शो करवाया है कि ये हमारे पास -2.5 है उसका एरिया, ये बन रहा है 0.4938। नेक्स्ट हमने उसको उसमें से 2.5 में से वो एरिया लेस किया और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया है वो 0.006, एक हमने कर्व में इसे पॉजिटिव जाहिर किया और एक कर्व में हमने इसे नेगेटिव जाहिर किया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द हाइट ऑफ द एप्लीकेंट टू द पुलिस फोर्स इन द सर्टेन कंट्री आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 170 एंड द स्टैंडर्ड डेरिवेशन 3.8 सेंटीमीटर, यानी पुलिस एप्लीकेंट के लिए सिटी आई हुई उसके लिए अप्लाई करने है, उसके लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो 170 और स्टैंडर्ड डेरिवेशन 3.8 है। इफ़ द सो पर्सन अप्लाई फॉर बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द पुलिस फोर्स, सो लोगों ने पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई किया एंड इट हैज़ बीन डिसाइड दैट नॉट नॉर्मल 70% ऑफ दीज एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी उनमें से 70% एक्सेप्ट हो गए और 30% रिजेक्ट हो गए। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपेबिलिटी हाइट ऑफ द पुलिस फोर्स, सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं इसे ग्राफिकली। ये देखिए, ये हमारे पास जो मीन है वो 170 और जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन वो हमारे पास 3.8 है। वी नीड टू कंप्यूट द एक्स वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द ऑफ विच देयर एग्जिस्ट 30% एरिया,
यानी उसमें से 30% एरिया सेलेक्ट नहीं होता, 70% हो जाता है। हमें यहाँ पे ये 50% एरिया, यहाँ से हमने 30 को शेडेड कर दिया जो हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरह हमने इस मतलब पहले हमने इन माइनस इन्फिनिटी की साइड से सिलेक्ट किया था, अब हमने प्लस इन्फिनिटी की साइड से 30% सिलेक्ट कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे द एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड अगर ज़ीरो है तो हमारा एरिया क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0.25, ये इस 0.198 में आ जाता है। हमारे पास द एरिया ऑफ द जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और जेड इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हमारा एरिया 2.53 हो तो ये आ जाता है 0.2019 में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए x इज इक्वल टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेरिवेशन z, z हमारे पास क्या था -0.52, ये हमने ले लिया -0.52, हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.976। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 168.024 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, इसका फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एन ओवर एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मोस्टली क्वेश्चन में हमें पी की वैल्यू गिवन होती है और क्यू हमने फाइंड करना होता है। क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से पी को उधर ले जाएंगे 1 माइनस पी की वैल्यू, अगर हम 1 में से पी की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज दैट आ पास्ट रिकॉर्ड इंडिकेट दैट इन आ पार्टिकुलरली प्रोवेंस ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड द डेथ रेट ऑफ द मलेरिया 20%। यानी सपोज कर लें हमारे जो पास्ट का रिकॉर्ड है इन अ पार्टिकुलर प्रोवेंस में, उसका जो डेथ एरिया है वो 20% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ पार्टिकुलर विलेज, हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी पार्टिकुलर विलेज की ऑफ द पार्टिकुलर प्रोफेंस, द नंबर ऑफ द डेथ बिटवीन 70 to 80, यानी 70 to 80 में नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई आउट ऑफ द 500 पेशेंट्स ऑफ मलेरिया, यानी 500 पेशेंट्स में से 70 और 80 की डेथ कितनी हुई वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमारे पास स्मॉल एन है वो इज इक्वल टू 500, यानी टोटल पेशेंट, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है 20%। तो हम इसे 20% 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.20 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है एन पी, तो हमने सबसे पहले मीन फाइंड करना है, मीन इज इक्वल टू एन पी होता है। तो हमने 500 को 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया, और अगर हम इसे 70 to 80% करते यानी 80% लें तो वो हमारे पास 0.8 आएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 400 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से जो ग्रेटर देन है हमारा 5 से। नेक्स्ट देखें u इज इक्वल टू एन पी, एन पी हमने फाइंड किया था वो हमारे पास है यानी n मल्टीप्लाई बाय p, तो ये 100 आ गया था। जबकि समीशन जो हमारा इक्वल होता है एन पी क्यू, क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड की, 1 माइनस p, 1 में से 0.20 को माइनस किया तो 0.80 आ गया। तो ये हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 80 के इक्वल आया, यानी इसका हमने अंडर रूट ले लेना है तो ये हमारे पास 8.94 आ जाएगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई नीड टू अप्लाई द कोरेक्शन दैट इज नोन एज द कॉन्टीन्यूटी कोरिलेशन। अब हम कॉन्टीन्यूटी कोरिलेशन को देखते हैं इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये देखें यानी जब स्टार्टिंग में थे तो मलेरिया के पेशेंट कम थे, ऐसा ऐसा वो इंक्रीज होते गए, फिर हमने उस पर काबू पा लिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर डिक्रीज होने शुरू हो गए। ग्राफ के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम ऐसे ही बताएं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्पोजेड ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही बात की है यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऊपर उन्होंने एक कर्व बना दिया कि इस तरह से हमारे पेशेंट यहाँ से स्टार्ट हुए, इस तरह से बढ़ गए और फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट हो गए। नाउ लेक्चर इज फिनिश, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।